नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बिग वाईटी इन्फो। आज की इस वीडियो में वंशज से रिलेटेड एक नए ट्विस्ट आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि इस शो को पूरी तरह से खत्म करके रख देने वाला है, जहां तक अब लग रहा है। देखिए, आज का जो हमने प्रोमो आपके बीच रखा है, उस प्रोमो में मैक्सिमम टाइम गार्गी महाजन अपने गुनाहों को भूल करते हुए नजर आई हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल में सुधर चुकी हैं या फिर कोई और भी नया प्लान जनरेट हो रहा है उनके माइंड में? क्योंकि देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि जो गार्गी महाजन है वो पूरी तरह से सुधर चुकी हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। गार्गी महाजन अभी भी सुधरी नहीं है, अभी भी उनके मन में एक खुराफात चल रहा है। आपको पता है कि जो प्रोमो दिखाया गया है उसके एंड में दिखाया गया है कि डीजे अपने आप को खोल देते हैं, आँख खोलता है तो गार्गी महाजन हंसने लगती है। अब मुझे लग रहा है कि डीजे इतने दिन बेहोश केवल युविका की सच्चाई जानने के लिए था, गार्गी महाजन नाटक कर सकें और जो युविका है वो खुल के बाहर आ सके। और ऐसा ही हुआ है, उसने अर्जुन को बचाया, फिर वह बुराया के शादी भी करा रही है, तो कहीं ना कहीं अब शक हो गया है कि जो युक्ति मुल्तानी है वही युविका है। वेल, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हमारे द्वारा ये बताई गई ये बात सही है या फिर नहीं? बाकी आपके मन में भी कुछ इससे रिलेटेड चल रहा होगा तो आप नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा, ताकि और लोगों को पता चल सके। बाकी यहाँ तक आए हैं तो इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए, यहाँ तक साथ निभाने के लिए आपका धन्यवाद। बाय।